हैदराबाद में लगातार फर्जी वोटों के लिए आवाजें उठती रही हैं। हालांकि नामपल्ली क्षेत्र में ज्यादा संख्या में बोगस वोटिंग होती है, इस तरह की बातें कई बार सामने आई हैं और अलग अलग दल के कार्यकर्ता, नेता और उम्मीदवारों ने इस मुद्दे को उठाया है। कल जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान चुनाव प्रक्रिया को बाधित करते हुए फिर से बोगस वोटिंग देखी गई। इस तरह की जानकारी वहां के एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम वसीम है, उन्होंने देखा। उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि यहां पर लगातार फर्जिंग वोटिंग हो रही थी और जब इसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई तो वहीं का एक रहने वाला दबंग टाइप का आदमी जिसका नाम साकिब है, साकिब और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि उस दौरान वहां पर पुलिस मौजूद थी, बीच बचाव कर लिया गया, पर इसके बाद रात के समय फिर से उन पर हमला किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस को हालांकि जानकारी दे दी गई है। पुलिस साकिब को अभी तलाश कर रही है क्योंकि वो फरार बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं निर्दलीय उम्मीदवार वसीम का क्या कहना है, किस तरह की उन्होंने गड़बड़ी वहां पर देखी थी और उन्होंने इस पर विरोध किया था। तो चलिए देखते हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल वसीम, कॉन्टेस्टेड MLA। जब मैं नामपल्ली के बूथ पे गया था, वहां पे एक ही औरत 10-10 बार गोल फिर रही, वोट डाल रही, गोल फिर रही, वोट डाल रही, गोल फिर रही, वोट डाल रही। बूथ के अंदर कम से कम 100 जने ठहर गए, पूरा प्लानिंग कर रहे, और वो कोई बूथ में पूछने वाला नहीं। बड़ी मस्जिद में वैसी, एल्बर्ट में वैसी, नामपल्ली जूनियर कॉलेज के पास वैसे। जब शेखर साहब ऐसे ही साहब आके मार के करके उन लोगों को पूरों को भगाए करे, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने आ गए। उसके बाद क्या हुआ बोले तो टास्क फोर्स आई, पूरी टास्क फोर्स आके उन लोगों को डिस्पर्स सब कर दी। टास्क फोर्स में एक जवान, उन्हें क्या करा, वहां पर उतनी 50-60 की पब्लिक ठहरी हुई है, तू जा बोल के मुझे सेफ करना करके भगा रहा मेरे को। उन्हें वहां से भगा कर मैं कैसी किसी तरह से जान बचा कर ऑटो में बैठ कर, ऑटो को 500 रुपए कहा नामपल्ली से अभी नगर तक आने के लिए, वहां से भाग गया। फिर ऑटो के ऊपर आगे मेरे पर हमला करे, फिर वहां पर ठहर के भरत ग्राउंड में जा रहा था। भरत ग्राउंड में एक साथ पीछे से 8-10 जने आकर ऊपर अटैक कर दिए। क्या नाम है अटैक करने वाला का? साकिब, उसके पूरे भाया है। साकिब कौन है ये? साकिब अलमदीना होटल वाला सईद का बेटा है। किस वजह क्या है अटैक करने की? वजह क्या है, रिकिंग कर रही, उन्हें पहलवान बनना चाह रहा है, रॉडी बनना चाह रहा है। उन्हें बात करके देख लेते हो, कर लेते हो, और पूरी पुलिस ठहर के ये देख रही। खाली पुलिस देख रही है टाइम पे? खाली यहाँ जो जो कॉन्स्टेबल को रखे वो कुछ काम के नहीं, बस ठहर के मुंह मुछ लेके, आंखा बंद कर लेके, गाना बंद कर लेके ठहरे थे। हमारे SI साहब तो भी आके, अगर वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल हो रही थी, SI के आने पर ही हो रही थी, वहाँ पे नामपल्ली के पूरे जूनियर कॉलेज पे और उसके पीछे के बूथों पे हमेशा रिकिंग रिकिंग रिकिंग। एक बार जाके मेरे को तो इतने 100-100 जने आते, उनका मतलब ये सुकून अच्छे से मालूम हो गया कि इलेक्शन हार रहे। अरे वो देख ना रे, स्टेटमेंट था तो, अरे मस्जिदा खा ले रे, कब्रस्ताना खा ले रे, गांड में तो आ ना रे, जान से मारो, डरा रहे रे बच्चों को, डरा दी। इससे पहले 2-3 मर्डर कर दिए, क्या इलेक्शन लड़ रहा? आप इलेक्शन लड़ रहे बल्कि कैंडिडेट हो भाई, सबको मर्जी है अपनी इलेक्शन लड़ने की, क्या नहीं लड़ सकता हूँ बोल रहे? अरे नको मुसलमान उठा, नको कटा, नको ठहर, बीजेपी को जिताता करता। अरे तुम लोग बीजेपी के सपोर्ट से जीत रहे, बाहर पूरे बीजेपी को जिता रहे तुम लोग। अभी क्या चाह रहे आप? अभी क्या चाह रहा हूँ भाई, ऑलरेडी मैं टास्क फोर्स में, SB में, हर जगह उन लोगों के नाम दे दिया था मैं, उनको फिर भी बॉन्ड ओवर नहीं करे, नहीं करने का नतीजा ये है ना, बॉन्ड ओवर करे। हैदराबाद से ये थी मोहम्मद जियाउद्दीन की खास रिपोर्ट।